Hello dear friends, we are so happy today, aren't we? हेलो मेरे अनमोल मित्रों, आज हम बहुत ही हर्षित हैं, ऐसा सच है ना? Yes, we are happy because God gives us a promise of hope. जी हाँ, हम लोग इसलिए हर्षित हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक आशा का प्रतिज्ञा दिए हैं। What is that promise? ये प्रतिज्ञा वचन क्या है? Isaiah 60:15 says. इशारा 60 उसका 15 में ऐसा लिखा हुआ है. Although you have been forsaken and hated. तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी है. With no one traveling through. यहाँ तक कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था. I will make you the everlasting pride. इसके बदले मैं तुझे सदा का घमंड का कारण बनाऊंगा. And the joy of all generation. और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा. What a hope we have in the Lord. हमें परमेश्वर में कितना बड़ा आशा या उम्मीद है. Yes, today you might be saying, yes, I'm also forsaken and hated. जी हाँ, शायद आप भी कह रहे हैं, मैं भी घृणित हूँ या त्यागा गया हूँ. My wife hates me and wants to separate from me. मेरी पत्नी मुझसे नफरत करती है और मुझसे अलग होकर जाना चाहती है. I'm hated because I'm a failure. क्योंकि अपने जीवन में मैं विफल हो गया हूँ, इसलिए लोग मुझसे नफरत करते हैं. I feel so forsaken that nobody is looking at me. कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता, इसके लिए मैं खुद को बड़ा त्यागा हुआ महसूस कर रहा हूँ. I'm only a sweeper. मैं केवल एक झाड़ू देने वाला हूँ. I'm only a driver. मैं केवल एक ड्राइवर हूँ. I'm only a watchman. मैं सिर्फ एक पहरादार हूँ. Nobody looks at me. कोई मेरा ख्याल नहीं रखता. Will I always be like this? क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? My friends, God looks at you today. मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपकी ओर निहार रहे हैं. The most powerful and holy God looks at you today. सबसे सामर्थ्य और पवित्र परमेश्वर आपकी ओर निहार रहे हैं आज. What a great joy that is that He is taking notice of us. ये कितना आनंद की बात है कि परमेश्वर हमारा ख्याल रख रहे हैं आज. Not only that, He powerfully promises us that we will become an everlasting pride and a joy for all generations. केवल ऐसा ही नहीं, वो सामर्थ्य रूप से हमसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो हमें सदा का घमंड और पीढ़ी दर पीढ़ी का हर्ष का कारण ठहराएंगे. Yes, he is telling you that. जी हाँ, वो आपके साथ ऐसा ही बात कर रहे हैं. My grandfather also had nothing in the beginning. शुरुआत के दिनों में मेरे दादाजी के पास कुछ भी नहीं था. He was a failure in his studies. वो अपने पढ़ाई में बिल्कुल विफल हो गए थे. He was living in poverty. वो गरीबी में दिन गुजार रहे थे. So much sickness at home. उनके घर में बहुत सारा बीमारियां थी. Terrible state. बड़ा भयानक स्थिति था. But in the midst of that, God said, "I am choosing you, Dinakaran." लेकिन ये सारे स्थिति के बीच परमेश्वर ने कहा, दिनाकरन, मैं तुमको चुन रहा हूँ. To bring my love to all nations. ताकि सारे देश में मेरा प्रेम और तरस को तुम भेज सकते हो. I'm making you a blessing. मैं तुमको एक आशीष का कारण ठहरा रहा हूँ. And today he stands as the pride of nations. और आज मेरे दादाजी सारे देशों के लिए घमंड का कारण ठहरे हैं. He is the joy of so many people. वो कई लोगों के लिए आनंद का कारण बन गए हैं. Everybody talks about him with so much joy. सब लोग उनके बारे में बड़ा आनंद के साथ बात करते हैं. People will also be so prideful talking about you. लोग आपके बारे में भी बात करते हुए घमंड महसूस करेंगे. God is going to lift you up with his blessing in such a way. इस तरीके से परमेश्वर अपने आशीष से आपको उत्थित करेंगे. Don't doubt yourself in the Lord. परमेश्वर में खुद पे संदेह ना करें. You know, you are not forsaken anymore. You are not hated anymore. आज आपको पता होना चाहिए, आज आप घृणित नहीं हैं, आज आप त्यागे हुए नहीं हैं. Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं. And he is lifting you up as an everlasting pride. वो आपको अनंत काल का घमंड के लिए आपको उत्थित कर रहे हैं. Because his name is upon your name now. क्योंकि आपके नाम के ऊपर उनका नाम समा गया है. So work for him with so much joy. इसलिए बहुत ही हर्ष के साथ आप उनके लिए काम करते रहें. Shall we thank the Lord for this blessing? आइए इस आशीष के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें. Thank you Lord for lifting our name. धन्यवाद प्रभु, हमारा नाम को आप उत्थित कर रहे हैं. We see it in faith in this verse. हम विश्वास के साथ इस वचन में इसको देखते हैं. Thank you for loving us, Jesus. धन्यवाद यीशु हमसे प्रेम करने के लिए. Thank you for choosing to make us the pride of all nations. धन्यवाद सारे जातियों का घमंड बनाने के लिए हमें चुन रहे हैं. What a great elevation you are giving us. कितना बड़ा उत्थान आप हमें दे रहे हैं प्रभु.
We receive it. हम इसको ग्रहण कर लेते हैं. We receive it. हम इसे ग्रहण करते हैं. We receive it for our family. हमारे परिवार के लिए ग्रहण करते हैं. We receive it for our children. हमारे बच्चों के लिए ग्रहण करते हैं. Let everything increase in their life, Lord. उनके जीवन में हर बात का बढ़ोतरी हो जाए प्रभु. Lord, let them become the pride of their family. प्रभु अपने परिवार के लिए घमंड का कारण बन जाए. Pride of their society. अपने समाज के लिए घमंड का कारण बन जाए. High accomplishment. उनको बहुत बड़ा मकाम दें। In Jesus name. यीशु के नाम से। Amen. Amen. God has elevated you to become an everlasting pride with Him. परमेश्वर अपने साथ आपको अनंत का घमंड बना रहे हैं। Go forth with great joy. महान आनंद के साथ आगे बढ़ जाएं। God bless you, my friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दें।